हरा भरा कबाब आप लोगों ने बहुत खाया होगा आज स्नैक्स, लेकिन दोस्तों मिलेट से बना ये हरा भरा कबाब पहले आप लोगों को एक बाइट तोड़ के टेस्ट करवाती हूँ, फिर बनाने चलेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये हरा भरा कबाब आप आपकी मनपसंद की कोई भी चटनी के साथ सर्व कीजिए। आप एक बार खाएंगे ना, आपका डिनर, ब्रेकफास्ट, आप किसी भी टाइम में इसको एंजॉय कर सकते हैं। जय जगन्नाथ, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल चिली स्पाइस बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 ग्लास पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था, जिसमें 1/4 छोटा चम्मच नमक डाली हूँ। पानी उबलने लगा है, फ्लेम मीडियम है, और 1 कटोरी मटर लेंगे जिसको हम पानी में डाल देंगे। इसको हमें 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पानी में मटर को उबलने देना है, ज़्यादा नहीं उबालेंगे। 3 मिनट बाद हमें इसको पानी से छान लेना है। इस पानी को हमें पालक ब्लंच करने के लिए हम रखेंगे, उसी लिए मैं इसको छलनी से ऐसे निकाल रही हूँ। थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे और एक्सेस पानी जब निकल जाए उसके बाद इसको निकाल लेंगे। बाकी जो मटर बचा है उसको भी ऐसे निकाल लेते हैं। अभी दोस्तों इस पानी में मैं अभी पालक भी डाल दूंगी। नमक इसलिए डाली कि हमारा जो हरा कलर है वो ऐसे ही एजिटिज रहे, उसी लिए। ये जो पालक है ये मैं खुद छत पे लगाई थी। अपना ताजा ऑर्गेनिक पालक तोड़ने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। इसको भी अच्छे से धोने के बाद 3 मिनट के लिए इसको भी हमें गर्म पानी में ऐसे पका लेना है। पकाने के बाद इस पालक को भी हम ऐसे ही छान लेंगे। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी, इस पानी को फेंकिए मत। इसमें आप दाल या सब्जी में भी आप यूज कर सकते हैं, या आटा ठंडा होने के बाद आटा भी लगा सकते हैं। पालक को हल्का ऐसे स्पैटुला से दबा देंगे ताकि एक्सेस पानी हमारा निकल जाए। निकलने के बाद इस पानी को, जैसे कि मैं बताई, फेंकना नहीं है, यूज कर लीजिए। अभी इसको हमें क्या करना है, हल्का सा ऐसे फैला देंगे जिससे इसका जो एक्सेस गर्मी है वो निकल जाएगा, तो हमें ब्लेंड करने के टाइम में आसानी होगा। 1/2 छोटे चम्मच जीरा, 1 इंच टुकड़ा अदरक और 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे प्याज लहसुन यूज़ नहीं की हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे, अगर लहसुन का फ्लेवर पसंद है तो यहाँ पे आप लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। बिना पानी डाले हमें इसको एक पेस्ट बनाना है, जो पेस्ट कि ना हमारा महीन बनेगा ना हमारा दरदरा बनेगा। तो ये देखिए, हल्का सा दरदरा पेस्ट बना लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी भर के मिलेट्स। ये दोस्तों लिटिल मिलेट्स है। इसको मैंने कैसे बनाया है, कैसे पकाया है, चलिए झटपट दिखा देती हूँ। 1 कटोरी में लिटिल मिलेट्स ली थी, कुटकी मिलेट, जिसको पूरी रात 6 से 7 घंटा पानी में धो के, मतलब 1 कटोरी मिलेट्स के लिए 1.5 कटोरी पानी में मैंने भिगो दिया था। अभी उसी पानी को हम स्ट्रेन कर लेंगे, गैस पे चढ़ाएंगे, उसमें 1/2 कप पानी एक्स्ट्रा डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और पानी को उबलने के लिए वेट करेंगे। पानी में जैसे उबाल आ जाए, उस टाइम जो भिगो के रखे थे जो मिलेट्स, जो कुटकी मिलेट था, लिटिल मिलेट था, उसको हम डाल देंगे। डालने के बाद हल्का सा मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, उबाल आने देंगे। जैसे उबाल आ जाता है ढक्कन को ऐसे 1/2 ढक के रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट बाद देखिए मिलेट्स अच्छे से पक गया है, बस नीचे हल्का हल्का देखिए पानी बचा है। इसको सुखाने के लिए फ्लेम को पूरा लो कर दीजिए और 3 से 4 मिनट पूरा ढक्कन लगा के पका लीजिए। अभी ये मिलेट्स तैयार हो गया है। जब ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा हम गैस बंद कर देंगे, ये पूरा खिले खिले चावल की तरह बन जाएगा। आप इसको दाल चावल के साथ, मतलब दाल के साथ, सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये मेरा अभी ठंडा हो गया था, उसीलिए ऐसे खिले खिले हो गए हैं। इसके साथ 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटे चम्मच नमक और 2 पिंच हींग डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मिलेट्स जो दाना दाना रहता है, इससे मिक्स होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाता है। अब इसमें यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 उबले हुए आलू। आप लेकिन अगर आलू डालना नहीं चाहते हैं, वेट लॉस प्रोग्राम में हैं, तो आप यहाँ पे 100 ग्राम पनीर को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, आलू डाली उसी लिए, और थोड़ा सा 2 पिंच नमक एक्स्ट्रा डाली हूँ। डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आपको अगर अंदाजा नहीं पड़ता है तो टेस्ट करके नमक डालिए। अभी चलिए हम मिलेट्स बना लेते हैं, ये सॉरी कबाब बना लेते हैं। एक ऐसे नींबू साइज का ही गोला लेंगे और इसको हम हाथ में रख के कबाब का शेप दे देंगे। कबाब का शेप देना तो बहुत आसान है, आप लोग देख के भी समझ जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस कबाब को हम दो तरीके से फ्राई करेंगे, एक बहुत ही कम तेल में और एक हल्का सा ज्यादा तेल में। तो जो लोग नए हैं उनके लिए और एक कबाब बना के दिखाती हूँ। लेकिन दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे बहुत सारे मिलेट रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और हाँ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं तवा की तरफ। एक छोटा चम्मच तेल डाली हूँ, अभी इसको हम स्प्रेड कर देंगे। मैं नॉन स्टिक तवे पे बना रही हूँ, आप चाहें तो लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि तवा अच्छे से गर्म हो, और उसके बाद फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे। और उसके ऊपर अभी हम सारे जो मतलब 3 से 4 जो कबाब है उसको पहले हम डाल देंगे। 2 मिनट एक तरफ से पकने देंगे, उसके बाद हम फ्लिप करेंगे। पहली बार का जो फ्लिप होता है उसको तुरंत मत कीजिए, उससे क्या होगा टूट जाने का भी संभावना रहता है। तो दोस्तों एक बैच बनने के लिए 7 से 8 मिनट का टाइम लेगा, लेकिन ऐसे ही हर 2 मिनट के इंटरवल पे इसको ऐसे पलटते रहिए जब तक कि आपकी मनपसंद का कलर ना आ जाए, आपको ना लगे कि आपका मिलेट्स अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अभी देखिए मुझे लगता है कि मेरा अभी परफेक्ट बन गया है, बढ़िया सा कलर आ गया है और टूटा भी नहीं है। इसको निकालने के बाद अब चलिए ज़्यादा तेल वाला बनाते हैं। पहले तवे पे 1 छोटा चम्मच तेल डाली थी, अभी मैं पैन में 4 छोटा चम्मच तेल डाली हूँ। डाल के तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए बाकी बचा कबाब सब डाल दूंगी। सेम प्रोसीजर वही रहेगा, 7 से 8 मिनट के अंदर ये बन जाएगा और आपको ऐसे ही फ्लिप करते रहना है। तो दोस्तों आपकी मनपसंद की कौन सी चटनी के साथ आप लोगों ने इसको सर्व किया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए, और बहुत सारी जो मिलेट्स रेसिपी हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जय जगन्नाथ।